नमस्कार दोस्तों, सपाटा न्यूज की तरफ से धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस से दीपावली पर्व का प्रारंभ हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के उपरांत धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लिए प्रकट हुए थे। धन्वंतरी भगवान विष्णु के अंशांश अवतार माने जाते हैं। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने के उपरांत भगवान धन्वंतरी की पंचोपचार पद्धति से पूजा करें। सर्वप्रथम एक चौकी पर भगवान धन्वंतरी का चित्र, जिसमें वे अमृत कलश लिए हों, स्थापित करें। तत्पश्चात उस चित्र की धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, आरती से पूजा करें। इस प्रकार धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से आरोग्य एवं लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा के उपरांत नवीन वस्तुओं का क्रय करें। नवीन वस्तुओं को क्रय करते समय ध्यान रखें कि खरीदी में चांदी की कोई वस्तु अवश्य हो। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने से वर्ष भर सुख समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस के दिन सायंकाल यमराज के निमित्त दीपदान करें। इसे यम दीपदान कहा जाता है। घर के मुख्य द्वार के बाहर गोबर का लोपन करें। तत्पश्चात मिट्टी के दो दीयों में तेल डालकर प्रज्वलित करें। दिए प्रज्वलित करते समय दीप ज्योति नमोस्तुते मंत्र का जाप करते रहें एवं अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर रखें। धन त्रयोदशी के दिन यम दीप दान करने से घर परिवार में किसी सदस्य की अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो दोस्तों, आज के दिन आप ये सब करें जो हमने अभी आपको बताया, और आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, यही हमारी ऊपर वाले से दरख्वास्त है। धन्यवाद।